अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सलवा स्नैन। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। डेप्लो थरपारकर में कौमी अमन कमेटी बराह बैनर मज़हब हम आहंगी के प्लेटफॉर्म से ऑपरेशन इस्तेहकाम सपोर्ट रैली। गणेश मेघवाड़, डॉक्टर मोहम्मद रहीम रहमोन, एजाज अहमद कठी तलुक चंदवारानी के सरबराह में 1000 फुट पाकिस्तानी परचम के साथ एक शानदार और तारीखी रैली निकाली गई, जिसमें मरकजी क़यादत पीर सैयद अली शाह राशिदी, सदर एडवोकेट सिकंदर केरियो, यासिन केरियो, मिठू मिल मारवाड़ी, आफाक यूसफ, सैयद हमीद शाह, अहमद शाह बुखारी, अब्दुल्ला भेम्बरो, साई डनू कलहोड़ो, मंजर चांडियो, फलाज राय, यूनस खोकर, हाजी उर्स खाड़त, आजम दश्ती, मोहम्मद अली काचेलो इस रैली में शिरकत के लिए सुबह सिंध के मुख्तलिफ डिवीजन के अहदेदारान, जिसमें हैदराबाद डिवीजन चेयरमैन सर खालिद अब्बासी, सदर मोहम्मद आजम दश्ती और दिगर अहदेदारान ने शिरकत की। मीरपुर खास डिवीजन के नुमाइंदे अल्लाबख्श बलोच चेयरमैन मीरपुर खास डिवीजन ने की और डिवीजन के तमाम अहदेदारान ने शिरकत की। सखर डिवीजन, शहीद बेनजराबाद डिवीजन, नवाबशाह डिवीजन, लाड़काना डिवीजन, सखर डिवीजन और इसके अलावा सुबह सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से तमाम मोहब्बतन पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत करके ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की रैली को कामयाब किया। अल्लाह पाक पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। हम 4 अगस्त को शहदा सिंध पुलिस को भी सलाम पेश करते हैं। आखिर पाकिस्तान की अमन खुशहाली और बका के लिए दुआ मांगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद और अदारों के हक में नारे लगाए। बाद में आने वाले तमाम मेहमानों को खाना खिलाया गया और तोहफे भी दिए गए।